शिवाय नमः। ॐ आदिशंकराय नमः। ॐ महाशंकराय नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। विधि आरंभ हो चुकी है। शीघ्र यज्ञ का भी शुभारंभ होगा। सभी मेरी योजना के अनुसार हुआ तो इस समुचे समय में ये देवियां 7 सिंदूर आसुरों से ही युद्ध करती रह जाएंगी और मैं प्रभु महाशिव के साक्षात दर्शन प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगा। जय माता पराशक्ति, जय श्री माता ललिता। ना मैंने तुम्हारा कोई भी आघात हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हे माता, ये कैसा दिव्य कवच है माता, जिसे हम भी नहीं भेद पा रही है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए माता। इन सभी ने तो अपने तन पर श्री गणेश के चरण सिंदूर को धारण किया है। इसीलिए हमारे अस्त्रों के प्रहारों से सुरक्षित हुई। जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश का ये सिंदूर इनके शरीर पर रहेगा, ढाल बनते इनकी रक्षा करता रहेगा, ढाल बनते इनकी रक्षा करता रहेगा। प्रभु श्री गणेश के मुख पर क्रोध का भाव, कहीं मेरे लिए कोई संकट न उत्पन्न कर दे। प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दीजिए, किंतु भक्ति के फल का इतना लाभ उठाना तो चलता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, ये असुर मुझे और मेरे आशीर्वाद का लाभ उठाकर आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, किंतु मुझे आशा है आपकी कृपा से देवी माताएं इस कठिनाई को दूर करने का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगी। छल और धूर्तता का प्रयोग कर तुमने गणेश जी की शक्ति को अपना कवच बनाया है, किंतु जब वो कवच हट जाएगा तो अपनी रक्षा कैसे करोगे? नहीं नहीं, ये असंभव है। हमारे कवच को कोई नहीं हटा सकता। Yeah.
सिंदूर का कवच बहुत शक्तिशाली है। इसे धोने के लिए हमें और बल का प्रयोग करना होगा। देवराज इंद्र, संकोच मत कीजिए। देवराज इंद्र, शीघ्र वर्षा उत्पन्न कीजिए। माता, इनके शरीर से गणेश जी के चरण का सिंदूर धुल क्यों नहीं रहा है? इंद्रदेव पर कुछ अधिक ही विश्वास था इन देवी को, लेकिन अब तो वो विश्वास भी भंग हो गया। तुमने तो केवल जल ही बहाया है, किंतु हम तुम्हारा रक्त बहाएंगे। ये तुम्हारी वर्षा कराने की युक्ति तो व्यर्थ गई, अब हमारा सामना कैसे करोगी? अब हमारे द्वारा तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं समस्त ब्रह्मांडों के सभी इंद्रदेवों का आवाहन करती हूँ, शीघ्र वर्षा करिए। गणेश जी का आशीर्वाद है, ये सिंदूर इतनी आसानी से नहीं धुलने वाला। इन देवियों का ये प्रयास भी असफल हो तभी संपूर्ण होगा मेरा ये महायज्ञ। और जैसे ही मेरे प्रतिरूपों की हथेलियों पर स्थित अग्नि अपनी पूर्णता प्राप्त करेगी, मेरे महायज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। भले ही तुमने गणेश के सिंदूर से अपने असुरों को सुरक्षित कर दिया है, परंतु छल से प्राप्त किया गया आशीष कभी कोई काम नहीं आता। शरीर से ये दिव्य सिंदूर कैसे धुल रहा है? इस तरह तो हमारा कवच मिट जाएगा। अब हम इन देवियों के सामने असुरक्षित हो जाएंगे। इंद्रदेव, ये अग्नि अस्थिर क्यों हो रही है? रुक क्यों गए असुरों? आगे बढ़ो और वार करो हम पर। कहीं गणेश जी के इस चरण से दूर के साथ तुम्हारा अहंकार भरा दुस्साहस भी तो नहीं धुल गया। नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं।
क्योंकि जब स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी है यहाँ तो मेरे कार्य में विघ्न कैसे आ सकता है। मैंने कहा था ना भंडासुर, युद्ध में विजय उचित युक्ति और रणनीति से प्राप्त होती है, छल या कपट से नहीं। ना कोई युक्ति, ना छल, ना धूर्तता और ना ही कोई चतुराई प्रभु, मुझे तो बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है और वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भंडासुर जो भी कर रहा है अनुचित है, फिर भी मैं इसे आशीष देने के लिए विवश हो रहा हूँ। जब तक ये मुझसे छल से आशीष प्राप्त करता रहेगा, मैं माताओं के लिए व्यर्थ ही बाधाएं उत्पन्न करता रहूंगा। मैंने कहा था ना प्रभु, जहाँ आप हैं वहाँ पराजय हो ही नहीं सकती। अब देखिए, युद्ध भूमि में भी मेरे योद्धा अवश्य सफल होंगे। देवियों को लगा था कि सिंदूर दुल जाने से मेरे असुर परास्त हो जाएंगे, किंतु उन्हें इस नवीन उपाय के बारे में ज्ञात नहीं था। अब ये कैसा प्रकाश है, इसने माताओं की दृष्टि को बाधित कर दिया है। यहाँ इतना तीव्र प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्या भंडासुर इस प्रकाश का भी कोई अनुचित लाभ उठा रहा है? ये है मेरे बलाह का सुरों का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र, सूर्यदेव का अपार तेज। मेरा अनुमान उचित था, इस प्रकाश से माताओं की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। चकित ना हो प्रभु, मेरे ये योद्धा अनुमान से अधिक विनाश कर सकते हैं। किंतु एकमात्र सूर्यदेव का तेज ही इस अपार प्रकाश का कारण बन सकता है। आपने सर्वथा उचित कहा प्रभु, ये प्रकाश सूर्यदेव से ही प्राप्त किया है इन्होंने। इनका जन्म होते ही इनकी माता किक्सी ने इन्हें सूर्यदेव की तपस्या करने का आदेश दिया और इन आज्ञाकारी पुत्रों ने तत्काल अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्यधीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ॐ प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूँ, मुझसे क्या वरदान चाहते हो? प्रभु हमें अपने प्रकाश का वरदान दीजिए,
जिसकी दृष्टि रख हमने इतनी कठोर साधना की है, वो प्रकाश जो सामने आए तो नेत्र स्वतः बंद हो जाए, जिसकी आभा से कुछ भी दिखाई ना दे। सामने आएगा हमारे बढ़ते प्रकाश से पिघल जाएगा। ये दुष्ट असुर माताओं की माता पर मेरे प्रकाश से ही लक्ष्य साध रहे। तुम देवियों का खेल यही समाप्त करेंगे हम। सूर्य देव के बढ़ते प्रकाश से यहाँ सब कुछ भस्म कर देंगे, उसमें सर्वप्रथम होंगे तुम्हारे अस्त्र, फिर तुम्हारे रथ। और उसके उपरांत तुम्हारी अस्थियों को भस्म कर तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देंगे। माता इस भयानक आक्रमण का सामना कैसे करेंगी? ये देवियाँ इस कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। देवी मंत्री नवीना दृष्टि प्रकाश से, किंतु जब प्रकाश के अभाव से एक गहन अंधकार उत्पन्न होता है, तब दृष्टि द्वारा उत्पन्न ये सभी भेद मिट जाते हैं और किसी भी भिन्नता का कोई आभास नहीं रहता। तब मेरी संपूर्ण रचना एक हो जाती। अब समय आ गया है उस सत्य रूपी अंधकार द्वारा असत्य रूपी प्रकाश पर विजय प्राप्त करने का। असुर माना है कि ये देवी तो अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही है। दोस्तों, तुम्हारे इस विनाशकारी प्रकाश को अंधकार से नष्ट करूंगी मैं। हमारे प्रकाश को तुमने नष्ट किया ना, तो अब हम तुम्हारे प्राणों का नाश करेंगे देवी। तुम्हारा ये ब्रह्म अब तुम्हारे साथ ही मिटेगा। दूर तसुरों, सूर्य देव का ये पावन प्रकाश जो अपनी ऊर्जा से सबको जीवन प्रदान करता है,
उसे तुमने मृत्यु का, विनाश का अस्त्र बनाना चाहा। उसके दंड स्वरूप मैं इस यम रूपी अंधकार से तुम्हारा विनाश करूंगी। ये बाण तो जैसे साक्षात यमराज ही है। जीवन मृत्यु के अंधकार में प्रवेश करेगा। सूर्यास्त के साथ मेरे बला की योद्धाओं का भी अस्त हो गया। भंडासुर, मैंने कहा था ना, युद्ध छल कपट से नहीं उचित रणनीति और पराक्रम से जीते जाते हैं। अभी भी समय है, इस पराजय के साथ अपने पतन को रोक दो। अपने सर्वस्व को खोने के पूर्व श्री माता ललिता से क्षमा याचना कर उनके शरणागत बन जाओ। प्रभु, आज के इस युद्ध में मैं अवश्य पराजित हुआ हूं, किंतु आपके आशीर्वाद से विजय तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। जब विनाश आहट देता है तो वो सर्वप्रथम जीव की बुद्धि पर आघात करता है, जो तुम्हारे साथ भी हो रहा है। भंडासुर, त्याग दो अपने इस मिथ्या विश्वास को कि तुम अपनी इस कपट योजना में सफल हो सकोगे, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकेगा। प्रभु, जब आप स्वयं मंगल मूर्ति हैं, स्वयं विघ्नहर्ता प्रभु गणेश जी मेरे साथ हैं, तो किसी हम मंगल का भय क्यों करूं मैं? बस आप अपने वचन पर स्थिर रहकर यहीं रहिए। इसलिए जब तक मैं मोदक प्रस्तुत करना ना रुकूं, आप ग्रहण करते रहिएगा। खाइए प्रभु। Thank you.
पुत्र गणेश की असुविधा तो बढ़ती जा रही और इस दुविधा से तो मुझे बहुत चिंता हो रही। ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। माता, चिंता तो मुझे भी हो रही है। प्रभु इसी प्रकार मोदक खाने पर विवश रहे तो कहीं उनका पेट ही ना फट जाए। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे पुत्र का कोई अहित हो ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। तुम्हारी विजय की कल्पना कभी सत्य नहीं होगी भंडासुर, क्योंकि इस धर्म युद्ध में जय धर्म की होगी। जिस प्रकार आज श्री माता ललिता ने तुम्हें पराजित किया, उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। मेरा हृदय हताशा और निराशा से ग्रस्त हो रहा है। ये कैसा अनर्थकारी संकेत है? नहीं, भंडासुर हूं मैं, पराजय स्वीकार नहीं मुझे। असुर महानायक, क्या अब ये देवी तो अब हमें भी? असुर महानायक का क्रोध देखकर तो मेरा चुप रहना ही उचित होगा। प्रणाम मग। प्रणाम माता। आई गिरी नंदिनी नंदिनी कल्याण विश्व विनोदिनी नंदिनी ते। आज आप तीनों देवियों संसार के समक्ष एक अद्वितीय साहस और पराक्रम का शेष उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसीलिए देवी तिरस्कारिणी, देवी दंडीनाथा, देवी बसंती, आज से जो भी आपकी आराधना करेगा वो किसी भी युद्ध में भयभीत हुए बिना विजय प्राप्त करेगा। माता, आज की ये विजय तो आपकी कृपा से ही संभव हुई। हमारा अस्तित्व तो आपसे ही है माता, आपकी शक्ति का अंश है हम, आपकी कृपा ही हमारी शक्ति का स्रोत है। माता, आप तीनों ने युद्ध स्थल में कठिन समय बिताया, इसीलिए अब ये आपके विश्राम का समय। क्या हुआ, आप सभी कुछ कहना चाहती हैं क्या? माता, रात्रि भर के विश्राम से जितनी शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं उससे कहीं अधिक शक्ति हमें आपके विजय के रूप में, आपके जगराते के रूप में मिलती है। हाँ माता, हमें रात्रि भर आपका भजन कीर्तन करने की अनुमति दीजिए। जय जय हे धन्यवाद माता। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी। अब ये रात्रि हमारे शत्रु दुष्ट भंडासुर के हृदय आज की पराजय से भी अधिक विचलित करेगी। एकांत मुझे और भी कष्ट दे रहा है। अनेकों आशंकाओं से घिरे इस मन को कैसे शांत करूं? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। कहां गया तुम्हारा क्रोध भंडासुर? शत्रु नारी पर क्यों नहीं बरस रहा है? लोभ से आती है शक्ति। उनके रथ रथ जो अभी तक तुम्हारे हो जाने चाहिए थे, उनका लोभ शांत क्यों नहीं किया तुमने? काम के वश में है संसार और तुम्हारे काम इच्छा नारियों को वश में करने की, उसका क्या हुआ? ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। एक नारी को विजयी होता देख तुम्हारी ईर्ष्या क्यों नहीं जागृत होती है?
आकाश में सब संसार, तुम्हारा सिंहासन, उसका मोल ही सता रहा है तुम्हें, तुम्हारा अहंकार भी नष्ट हो गया क्या? सिंहासन पर गर्व नहीं रहा तुम्हें? यही होता रहा तो कौन सम्मान करेगा महान असुर भंडासुर का? मोह करो अपने सिंहासन से, अहंकार ही तुम्हारा वस्व है, अपनी ईर्ष्या से ही भस्म करो उसे। क्रोध करो भंडासुर, क्रोध करो। अहंकार अपने सिंहासन लोग को जागृत करो, अहंकार लोग मर जागृत करो भंडासुर, अपने अहंकार लोग जागृत करो भंडासुर, अपने अहंकार लोग मर जागृत करो भंडासुर, अपने सिंहासन। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ है पिताजी? आप कहाँ है पिताजी? आप कहाँ है पिताजी? आप कहाँ है पिताजी? किसका स्वर है ये? कौन? कौन है यहाँ? उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। देखा तो सही दिशा में देखा तो मैं आपके सामने आ गई ना पिताजी। मोहिनी? वो तो मेरी माता है, मेरा नाम तो रश्मि प्रभा है। वे मोहिनी की पुत्री है ये? वे मोहिनी की? रश्मि प्रभा? हाँ पिताजी, आपकी पुत्री रश्मि प्रभा। पिताश्री, यहाँ कुछ बुरा हुआ है, आपका कुछ खो गया है जो आप इतने अंधकार में गिरे हैं। नहीं पुत्री, कुछ खोया नहीं, अभी तो तुम्हारे यहाँ आने से मुझे तो आनंद का कारण मिल गया है। अंधकार का कोई स्थान नहीं। कितना अद्भुत है ये प्रकाश पिताजी। किंतु तुम अभी तक कहाँ थी पुत्री, और आज अचानक यहाँ? अचानक कहाँ पिताश्री, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब मैंने माता से पूछा कि मेरे पिताश्री कौन है, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते, तो माता ने मुझे आपके बारे में बताया। अच्छा, तो फिर क्या बताया तुम्हारी माता ने मेरे बारे में? यही कि आप महानायक भंडासुर है और भोलेनाथ के परम भक्त है, अतः उनके दर्शन करने मानसरोवर अवश्य आएंगे, तभी हमारी भेंट हो पाएगी। इतना कहकर पता नहीं माता कहाँ अदृश्य हो गई, तब बहुत दुख हुआ मुझे। परंतु आप तो आए नहीं, लेकिन आपसे मिलने की आशा मैंने नहीं छोड़ी। फिर यहाँ अमरपुर से मुझे सिर्फ मंत्रों का स्वर सुनाई दिया, तो मुझे लगा ये मेरे मान शिव भाव पिताश्री का स्वर होगा, तो मैं यहाँ चली आई और आप मुझे मिल भी गए पिताश्री।
अब पूर्ण व्यवस्था हो चुकी है तो हमें जगराता आरंभ करना चाहिए। हाँ, अब कोई भी विलंब उचित नहीं। किसी अपरिचित की गंध क्यों आ रही है मुझे? कोई शत्रु भी है क्या यहाँ? ये कैसा स्वर था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। किंचित मैं अधिक विचार कर रही हूँ। अभी जगराते के शुभ अवसर पर मुझे अपना ध्यान भक्ति और सकारात्मकता की ओर ही केंद्रित करना चाहिए। मुझे शीघ्र ही ज्येष्ठ भ्राता को सूचित करना होगा, क्योंकि उत्सव का समय है और ऐसे समय में जब शत्रु असावधान हो तो ऐसे में उन्हें अपने आक्रमण से चकित करने का सबसे उचित समय होता है। अभी ये देवियां भजन कीर्तन करेंगी और मैं इनके विनाश का उपाय करूंगी। ये तुम्हारी माताएं हैं। पर नाम माता। और वो तुम्हारे भाई हैं। पर नाम भैया। वो तुम्हारे काका जी हैं। प्रणाम काका। यहाँ तो एक और पिताश्री है। नहीं नहीं पुत्री, चकित मत हो, ये तो मात्र मेरा प्रतिरूप है। ये कौन है पिताश्री और इनसे हमारा क्या संबंध है? ये मुझे रचने वाले मेरे जन्मदाता, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु श्री गणेश जी हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम प्रभु गणेश जी। मेरे पिताजी की रचना करने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम्हारा सदा कल्याण हो पुत्री। और बड़े अद्भुत है प्रभु। क्यों, मुझ में ऐसी क्या विचित्रता देख ली तुमने? अपने इन बड़े बड़े कानों से संपूर्ण जगत की सभी बातें सुन लेते होंगे आप। और इतनी लंबी नासिका है आपकी, तो भोजन का है, ये सुनकर ज्ञात करना तो बहुत सरल होगा आपके लिए। पेट भी कितना विशाल है आपका, किंतु अभी तो बहुत बड़ा हुआ है। हाँ, सत्य कहा तुमने। तो फिर और मोदक क्यों खाते जा रहे हैं आप? ये हमारे अतिथि हैं, और अतिथि को मन भर के भोजन करवाना ये तो सर्वोच्च नियम है। इन्होंने भी मुझे वचन दिया है कि जब तक मैं इन्हें मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा ये इन्हें ग्रहण करेंगे, इसलिए ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए पुत्री जिससे इनका वचन भंग हो। किंतु पिताश्री। ज्येष्ठ भ्राता, मुझे शीघ्र एकांत में आपसे कुछ वार्तालाप करना है। ऐसे क्या सूचना है बहन धूमिनी जिसे देने के लिए तुम मेरी तनिक भी प्रतीक्षा नहीं कर सकी? पिताजी ने इनको बहन पुकारा तो ये मेरी बुआ जी है। पर नाम बुआ जी। अब जाइए पिताश्री, आपका कर्तव्य तो सबसे बड़ा है, आप उनका ध्यान रखिए। मैं यहाँ प्रभु का ध्यान रखूंगी, इनकी सेवा करूंगी। उचित है पुत्री।
प्रभु, आपके लिए मेरा एक सुझाव है। आप धीरे धीरे खाइए, इस प्रकार आप खाते भी रहेंगे और आपका वचन भी भंग नहीं होगा। तुम्हारा सुझाव तो अत्यंत उत्तम है, अब ऐसे ही खाऊंगा मैं। गणेश की असुविधा का आभास तो इस छोटी सी बच्चे को भी हो गया। किंतु दुष्ट भंडासुर अपने आराध्य को वचनबद्ध कर पुत्र गणेश को कष्ट देने पर ही आतुर है, किंतु अब अपने कर्मों के जो बीज इस भंडासुर ने बोए हैं, उसके फल स्वरूप स्वयं भी भयंकर कष्ट का भागी बनेगा ये कुटिल असुर। अपनी पुत्री से मेरी प्रथम भेंट में बाधा उत्पन्न करने का क्या कारण था? आइए भ्राता, देखिए। बालिका रश्मि प्रभा, ये माताओं की माता श्री माता के श्री रथ है और वहाँ माता का जगराता हो रहा है। जगराता हो रहा है वहाँ, तो इसमें इतना विशेष क्या है? ये मात्र जगराता नहीं है भ्राता, विजय का उत्सव है ये, जिसे रोकना अति आवश्यक है। और ऐसे विजय के उत्सव में हुआ विस्फोट बहुत प्रभावशाली होता है जीएश। मैं इनके इस विजय उत्सव को शोक में परिवर्तित करना चाहती हूँ। जगराते की इस रात्रि को इनके विनाश की रात्रि बनते देखना चाहती हूँ मैं। ये जगराता क्या होता है प्रभु? ऐसी रात्रि जिसमें उनके सभी भक्त माता की भक्ति में खोए रहते हैं और संपूर्ण रात्रि माता के नाम का स्मरण कर उनका भजन कीर्तन कर अपने जीवन को नवीन उत्साह और आनंद से भर लेते हैं। क्योंकि जो भी जगराते में भाग लेता है उसमें एक अपूर्व शक्ति का संचार होता है। तब तो मैं भी माता के जगराते में भाग लेना चाहती हूँ। घोर तपस्या कर स्वयं को विस्फोटक में परिवर्तित करने का सामर्थ्य अर्जित किया है मैंने। विस्फोटक शक्ति के साथ अपनी काम रूपी शक्ति का प्रयोग कर मैं वहां देवी रूप में जाकर उन देवियों की सबसे बड़ी देवी के आगे भयानक विस्फोटक कर सकती हूँ। किंतु दुर्भाग्यवश विस्फोट के बाद पुनः कुशल होने की विद्या प्राप्त करने में मुझे भी समय लगेगा। और ज्येष्ठ, आप अपनी इस अकेली बहन को अपने अपार स्नेह के कारण इस प्रकार बलिदान कदापि नहीं करने देंगे, इसीलिए तुम बलिदान दो। किंतु ज्येष्ठ, एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं। इतना उत्तम उपाय सूझा है तुम्हें तो उसका प्रयोग करो। स्मरण रखना, तुम्हारा ज्येष्ठ तुम्हारे बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं होने देगा। विनाशक विस्फोट इन देवियों को हताश करेगा। यदि वहां कोई बचा भी रह गया तो मेरे 17 महासेनापतियों के साथ आक्रमण कर मेरी सेनाओं से भी नष्ट कर देगी। कोई नहीं
ही बचक, ना उनका कोई रथ ना कोई देवी। किंतु भ्राता, मैं भी तो नहीं बचूंगी। आपकी एकमात्र बहन वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सत्य कहा तुमने बहन दुमिनी, तुम्हारे इस उत्तम उपाय को सफल करने हेतु मैं अपनी प्रिय बहन को मृत्यु के मुख में कैसे भेज सकता हूं। किंतु सत्य यह भी है कि अपने राज्य, अपने राजा और अपने ज्येष्ठ के प्रति इतना बलिदान तो चल जाए, चल जाए। तुम्हारा महानायक तुम्हें आदेश दे रहा है, जाओ, जाकर शत्रुओं का विनाश करो और जो बचेगा उसके लिए मैं तैयार हूं। जाओ, मैंने कहा जाओ। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं इस दिव्य अवसर पर माता के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तब तो आप भी चलिए ना माता के भक्ति में झूमते हुए, हम दोनों जाएंगे वहाँ, बहुत आनंद आएगा। ओ समझ गई, पिताश्री को दिया हुआ वचन नहीं भंग कर सकते आप। आपको यही रहकर मोदक खाने होंगे, इसलिए इतना दुख हो रहा है ना आपको। किंतु दुखी मत होइए, हम दोनों मिलकर कोई उपाय ढूंढ लेते हैं। आप यहाँ खाते खाते विचार कीजिए और मैं वहाँ बैठकर कुछ सोचती हूँ। प्रभु महाशिव के यज्ञ के पूर्ण होने से पहले आज की इस रात्रि में इस देवी शत्रु का अंत हो जाएगा और मेरा संकट टल जाएगा। ज्येष्ठ, अब तो मुझे अवश्य रोकेंगे। अब मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। गणेश जी, मुझे तो कुछ भी सूझ नहीं रहा, और आपको दुखी छोड़कर मैं कैसे जाऊं वहां? अब आप ही बताइए ना हम क्या करें। मेरी सहायता? आपकी सहायता प्रभु? नहीं नहीं, मैं इतने मोदक नहीं खाऊंगी, मेरा पेट फट जाएगा। नहीं रश्मि प्रभा, मोदक खाने में नहीं, तुम माता के जगराते में भाग लेने में मेरी सहायता कर सकती हो। किंतु जब आप जा ही नहीं सकते तो? रश्मि प्रभा, मैं नहीं जा सकता, किंतु मेरी ओर से तुम ये पुष्प माता के चरणों में समर्पित कर सकती हो। इस प्रकार हम दोनों माता की पूजा में भाग ले सकते हैं। वाह प्रभु, आपने तो अपनी बुद्धि से इतना अच्छा समाधान ढूंढ लिया।
मान गई गणेश जी आपकी बुद्धिमानी को।